अगर आप भी हो चुके हो परेशान अपने छत की सीलन को लेके तो ये वीडियो मिस ना करें। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप अपने जो घर की छत होती है या आपकी जो दुकान की छत होती है या आपकी जिस प्रकार की जो छत होती है उस पर आपकी जो टाइल्स लगाने के बावजूद भी आपकी जो छत के अंदर सीलन आ रही है, जो पानी टपकता है या दीवार में या पुट्टी या कलर हो ख़राब हो रहा है, टाइल लगाई हुई है छत पर और आपने जो सीमेंट लगाई है सीमेंट भर भर के आप परेशान हो चुके हो, सीमेंट बार बार निकल रही है, आपने कई बार 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 केमिकल का यूज़ किया है फिर भी निकल रहा है। लेकिन हम आपके लिए अलग चीज़ लेके आए हैं, आपके लिए लेकर है ये 1 kg वाला अपॉक्सी। दोस्तों पार्ट 2 अपॉक्सी है, आपको इसमें 5 किलो का जो बाल्टी मिल जाएगी, 1 किलो की मिल जाएगी, 10 किलो की मिल जाएगी, अलग अलग जिस प्रकार से आपको जितनी ज़रूरत होती है उसी के हिसाब से मंगवा सकते हो। क्योंकि दोस्तों हमारी जो टाइल्स लगाने के बाद में जो सीमेंट है बार बार निकल जाती है और सीमेंट निकलने के बाद में जो इस प्रकार से ये टाइल्स का जॉइंट खुल जाता है तो इसके अंदर से जो पानी है नीचे छत के नीचे जो हमारा जो कलर पुट्टी ख़राब हो जाती है अंदर सीलन हो जाती है, तो इसको रोकने के लिए हमारे पास ये है उपाय। तो इसको हम क्या करेंगे, बारीकी से जो हमारा जॉइंट है उसको मिला के दो है हमारे, एक डब्बा साथ में आ गया, इसको खोल लेते हैं। पहले खोलने के बाद में आपको बताएंगे किस तरह से इसमें पैकिंग आती है, किस तरह से कौन सा केमिकल आता है, आपको कैसे मिलाना है, कैसे इसका यूज़ करना है, तो ये सारी जानकारी इस वीडियो में देगी। तो वीडियो में पूरा बने रहे तभी आपको समझ आएगा कि हमारी जो छत की सीलन है उसको रोकने के लिए इसको कैसे भरना है और कितने टाइम तक इसको सुखा देना है, ताकि हमारी जो एक बार हम अपॉक्सी भर देते हैं उसके बाद में हमें किसी भी प्रकार का जो केमिकल है या सीमेंट है उसको भरने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले इसको ओपन कर लेते हैं कि इसके अंदर निकलता क्या है, आपको बता देते हैं। क्योंकि दोस्तों आपको इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देगी तभी तो आपको समझ आएगा कि इसको कैसे भरना है और भरने का जो सही तरीका क्या है। तो हम ओपन कर लेते हैं इस बाल्टी को। तो सबसे पहले हमारी ये जो साफ़ करने वाला फोम आया है और दूसरी बात ये हमारा जो केमिकल है हार्डवेयर केमिकल है और ये हमारा है 200 ml का और हमारे पास है ये अपोक्सी जो हमारी ब्लैक कलर की है, इसके अंदर एक जो डब्बा आता है इसमें ब्लैक होती है इसमें मिला होता है। कुछ ऐसे जो पैकेट आते हैं उसमें जो हमारे डब्बे होते हैं जो केमिकल वाले लिक्विड वो अलग लगाते हैं, लेकिन इसके अंदर जो एक डब्बा लिक्विड वाला है मिलाया हुआ है और दूसरा डब्बा हमारे इसके साथ आया है। तो इस दोनों को अच्छी तरह से मिलाने के बाद में हम कैसे भरना है, और आपको सीधा जो जॉइंट है हमारा टाइल्स का उसको आपको साफ बिना किए आपको नहीं भरना है, उसको अच्छी तरह से साफ़ करना है। अगर आपका जॉइंट बारीक है तो आपको ग्राइंडर की सहायता या मशीन की सहायता से आपको उसको बड़ा करना है। क्योंकि दोस्तों अगर एक सूत का जॉइंट रखेंगे तभी आपको ये जो अपॉक्सी है उस जॉइंट के अंदर टिक पाएगी, नहीं तो ये वापस निकल जाएगी। तो इसको खोलने के बाद में हम आपको बता देते हैं कि ये जो हमारा केमिकल है इसको आपको पहले ओपन करना है, फिर आपको जो ये पैकेट दिखाई दे रहा है पैकेट को भी आपको ओपन कर लेना है और आपको अच्छी तरह से भरने के बाद में इस फॉर्म से साफ़ करना है। आपको सबसे पहले क्या करना है, एक ग्राइंडर की सहायता से हमारे जो टाइल्स है टाइल्स के अंदर आपको ग्राइंडर या मशीन को जो जॉइंट होता है उसमें चलवाना है। एक सूत आपको इस जॉइंट को खोल लेना है, खोलने के बाद में आपको क्या करना है, खोलने के बाद में आपको अच्छी तरह से जो हमारी पुट्टी करने वाली पाती आती है यानी कि जो ब्लेड आती है एक कटोरी या आपको बाल्टी में मिला सकते हो, इस बाल्टी में मिला सकते हो। तो बाल्टी मिलाने के बाद में आपको क्या करना है, उसे आपको ब्लेड से भर लेना है। भरने के बाद में आपको क्या करना है, अच्छी तरह से इस फॉर्म से साफ करने देना है। साफ करने के बाद में आपको 4 या 5 घंटे तक आपको सुखा देना है। सुखाने के बाद में जितने भी बारिश आएगी जितना पानी आप उसके अंदर रखोगे लेकिन आपके घर के अंदर जो सीलन आती है उसका ये जो मसला है सारा ख़त्म हो जाएगा। दोबारे आपको ऐसी कोई परेशानी नहीं होगी, आपको सीमेंट नहीं भरनी पड़ेगी। और हाँ, अगर आपके छत के ऊपर जो टाइल्स है वो नहीं लगी है, इस तरह का सीमेंट है, सीमेंट के अंदर दरार आ रही है, तो उसको रोकने के लिए हमारे पास है लिक्विड रबड़। इसको आपको जो दरार होती है उसके अंदर ये भरना है, क्योंकि दोस्तों इसका जो ये सीमेंट वाला अलग आता है टाइल्स का पॉक्स ये अलग आती है, इसको रोकने के आपको जो एलिफेंट सिलिड जो लिक्विड रबड़ आता है उसको आपको यूज करना है। क्योंकि दोस्तों जिस प्रकार से सीमेंट की जो अलग केमिकल आता है वाटरप्रूफ आता है, ये जो वाटरप्रूफ है इसको आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। इसके बाद जंग रोधक है जो हम लोहे पर लगा सकते हो, केमिकल प्रोटेक्शन है जिस प्रकार के आपके छत के ऊपर पानी इकट्ठा हो जाता है उसको आपको पूरी तरह से जो सीलन होती है उसको रोकता है। तो ये आपके जो सीमेंट का छत होता है या आपकी जो सरिया होता है
जो लोहे का होता है काम, सब पर ये आपको लगवा सकते हो। इसका जो पैंट आता है इसमें आप यूज़ कर सकते हो। जिस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है कि हमने ये आपको ये हम पानी इकट्ठा करने के लिए आपको सैंपल दिखा रहे हैं, इसके अंदर ये हमने केमिकल लिक्विड रबर को लगा दिया है। इसको अच्छी तरह से आपको बाल्टी मिला लेना है। मिलाने के बाद में आप क्या कर सकते हो, ब्रश की सहायता से आप लगवा सकते हो। इसमें आप वाइट भी ले सकते हो, ब्लैक ले सकते हो, जितने भी कलर है आपको मिल जाएंगे। जिस प्रकार से आपको हरे रंग का जो लिक्विड रबर आता है वह भी ले सकते हो, ब्लैक का ले सकते हो। लेकिन ये आपकी जो छत की सीलन है उसमें आपको 100% आपको जो समस्या है ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों इसका लगाने का जो तरीका है उसको भी आपको पता होना चाहिए किस तरह से लगाना है और किस तरह से आपको सही जो इलाज है इसका क्या है। इसमें आपको 10 लीटर की, 5 लीटर की और 1 लीटर की ये जो बाल्टी आती है हमारी, ये आपको लिक्विड रबर की मिल जाएगी। जिस तरह से आपको दीवार में लगा सकते हो, आपकी छत ऊपर लगवा सकते हो, आप लोहे का जो रंग जंग आता है लोहे पर वह भी आप लगा सकते हो। इसको आपको क्या करना है, 12 से 15 स्क्वायर फुट जो हमारा होता है एरिया ये कवर करता है 1 किलो, क्योंकि दोस्तों जो हमारा टाइल्स की जॉइंट में लगवाते हैं तो आपको 25 से 30 फुट हो जाता है, लेकिन आप पूरे छत पर कवर करा रहे हो तो आपको 7 या 10 फुट के अंदर ये कवर हो जाता है। क्योंकि दोस्तों 1 किलो की जो ये केमिकल आता है आपको ब्रश की सहायता से आपको अच्छी तरह से पेंट करना है। पेंट करने के बाद में आपको जितना पानी है जो छत का उसमें भर के चेक कर लेना कि कहीं से सीलन नहीं आ रही है, क्योंकि दोस्तों ये गारंटी शुदा इलाज है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसका जो हम नमूना बता देते हैं कि आपको ये बिठला है, इसको रोकने के लिए हमने पहले ये पानी निकल रहा है और पानी निकलने के बाद में इसके अंदर हम जो लिक्विड रबड़ आता है उसको लगाएंगे। लगाने के बाद हम दोबारा से पानी भरेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से यह काम करता है। तो पहले हमने जो लिक्विड रबड़ है उसको लगा दिया है, उसके ऊपर ये फॉर्म है। फॉर्म के लगाने के बाद हम पानी से अच्छी तरह से भर लेते हैं और भरने के बाद में आपको ये देखिए दोस्तों किस तरह से ये काम कर रहा है। जो हमारा होल था वो अच्छी तरह से पैक हो चुका है, तो इसको देख के आपको यकीन हो चुका है कि दोस्तों ये हमारे लिए वाकई ही ये काम की चीज़ है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना, और हमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा जरूर दबा दीजिए।